हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सलमान और आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों रॉकेट लोन। तो दोस्तों ऑनलाइन क्रेडिट पर्सनल लोन है, पूरा नाम है इसका दोस्तों। तो रॉकेट लोन जो नाम है इसका शॉर्टकट नेम है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन देने वाला आपको लोन। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना अंत तक, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो काफ़ी शानदार वीडियो है, सब वीडियो से अलग है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहना है, और मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों, मेरा बहुत कुछ होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे को सपोर्ट करें। तो इस दोस्तों इस एप्लीकेशन के जो डाउनलोड्स है वो 50,000 आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दोस्तों 50,000 डाउनलोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, और 3.3 का रिव्यू दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन है और काफ़ी कम समय में आपको लोन मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना, आप बीच में अगर वीडियो छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको व्यवस्थित तरीके से बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो बने रहना अंत तक। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको करना क्या है, दोस्तों इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर आपको रॉकेट लोन एप्लीकेशन के नाम से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का फेस आएगा ओपन होने के बाद। तो दोस्तों आपको OTP के माध्यम से पहले अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन हो जाना है। इस तरह का फेस आएगा, अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ OTP डालना है। फिर आपको दोस्तों अंदर की ओर जाओगे तो इस तरह का फेस आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ बिल दिखाई देगा और यहाँ प्रोफाइल दिखाई देगा। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, बिल पर आपने कब पेमेंट किया कब लिया सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी, और प्रोफाइल आपको यहाँ दिखाई देगा, हेल्प वगैरह दिखाई देगी, और यहाँ आपको अपना अप्लाई पर क्लिक करना है, करना है। तो तीन प्रोसेस दिखाई दे रही है, सबमिट इन्फॉर्मेशन, गेट क्रेडिट और गेट मनी, यानी कि दोस्तों अपनी इन्फॉर्मेशन डाल लेनी है, उसके बाद आपको क्रेडिट के आधार पर आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अप्लाई नो पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आगे की ओर बढ़ना है। आपका जो लोन है अप्रूवल होने के बाद आपके अकाउंट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फुल रीपेमेंट आपको इस तरह से दिखाई देगी बिल में कि आपको इतना रुपये रीपेमेंट करना है, रिपे नो, डेट वगैरह, यह सारी जानकारी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से रहेगा आपका डेटा। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है पूरी तरीके से। फिर दोस्तों अपन क्या करते हैं, नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर आने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले आपको अबाउट दिस ऐप जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अबाउट दिस ऐप जो है वो मेन इस एप्लीकेशन का हार्ट रहता है, यानी कि दोस्तों सारी जानकारी आपको लोन लेने से पहले यहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको फर्स्ट में जो प्रोडक्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है 20,000 से लगाकर 60,000 का लोन ये एप्लीकेशन देने वाला है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन दावा कर रहा है 20,000 से लगाकर 60,000 तक का लोन ये एप्लीकेशन देगा। और दोस्तों मिनिमम जो रीपेमेंट पीरियड है आपको 51 दिन का बता रहा है, और मैक्सिमम रीपेमेंट आपको 180 दिन का ये एप्लीकेशन बता रहा है, और मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज आपको 65% दिखाई दे रहा है, और आपको एंडिंग फीस, अदर फीस एंड अदर फीस दोनों चीज़ें ये नो बता रहा है, यानी कि नहीं लगेगी, अदर जो फीस लगती है वो नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ सारी जानकारी ये पूरी आप नीचे की ओर भी देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आप 20,000 का लोन ले सकते हो तो आपको कितनी किस्त बनेगी, कितने रुपए ब्याज लगेगा और कितना जमा कराना है, तो सारा डेटा आपको पूर्ण तरीके से पूरे धीरे छोटा पूर्ण संक्षेप में पूरा समझा रखा है, है ना दोस्तों। फिर नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रॉकेट लोन इज़ लेंडिंग क्रेडिट पर्सनल लोन, वी हैव पास द RBI सर्टिफिकेशन एंड आर सपोर्टेड बाय NBFC। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन का कहना है कि NBFC से रिलेटेड है। तो दोस्तों अब नीचे की ओर आएंगे और नीचे देखेंगे अपने लोन अमाउंट आपको 60,000 बताया दे रहा है, इसने फंक्शन बताया है, और इस एप्लीकेशन ने जो इसकी जो मेन जो चीज़ें हैं इसने मेन फंक्शन बता दिए हैं। और एलिजिबिलिटी में आपको दोस्तों इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, और आपको 18 से 45 ईयर ओल्ड होना ज़रूरी है, यानी कि दोस्तों 18 से 45 साल के बीच में आपको लोन ये एप्लीकेशन दे देगा। ओके दोस्तों, नीचे नहीं देगा और ऊपर भी नहीं देगा। और दोस्तों नीचे हैव ए स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, तो आपकी इनकम के आधार पर आपको ये लोन एप्लीकेशन देगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नीडेड फाइल, यानी कि दोस्तों अपनी फाइल में आपको सेल्फी डालना है अपनी, उसके बाद अपने आइडेंटिफिकेशन करना है, पैन कार्ड वगैरह और आधार कार्ड भी चाहेगा इसमें एड्रेस प्रूफ के तौर पर, और आपको वैलिड बैंक कार्ड अकाउंट भी आपको छाएगा यहाँ। तो दोस्तों चार चीज़ें मेन जो बता दी है इन्होंने, ये आपको लगेगी इस लोन लेने से पहले, ये आप रख ले आपके पास। उसके बाद दोस्तों मेन चीज़ पर आते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप लोन लेना चाह रहे हो तो आपको करना क्या है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, आपको इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले से, और रजिस्ट्रेट कर लेना है अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से। फिर OTP आएगी उसके माध्यम से। रजिस्ट्रेट करने के बाद दोस्तों अपनी जो फिल इन योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि दोस्तों अपना नाम, पता, जेंडर, फीमेल वगैरह, आप कितना पढ़े हो, कितना का लोन वगैरह, सारी जानकारी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भर देना है। उसके बाद दोस्तों अपना KYC अपलोड करना है, यानी कि दोस्तों
अपना पैन कार्ड आधार वगैरह सारी जान सही तरीके से आपको फ़ोटो खींच के उसमें अपलोड कर देना। उसके बाद दोस्तों चूज़ द लोन अमाउंट वेन टू अप्लाई फॉर द सबमिट। तो दोस्तों उसके बाद अपना लोन अमाउंट चूज़ करने के बाद वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा दे रहा अप्रूवल या रिजेक्शन रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द एवेंट सेंड वी आई SMS। तो दोस्तों SMS के माध्यम को आपको बता देगा आपका लोन हुआ है या नहीं है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको करना है साइन द लोन एग्रीमेंट इलेक्ट्रिकली आफ्टर अप्रूवल। तो दोस्तों उसके बाद अपना साइन एग्रीमेंट कर लेना है, उसके बाद आपको अप्रूवल डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ द अप्रूवल लोन अमाउंट विल बी पेड टू योर बैंक अकाउंट विथ इन 5 मिनट्स। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ आपको अकाउंट में साइन एग्रीमेंट होने के बाद आपको अप्रूवल हो जाएगा और उसके बाद जो लोन अमाउंट है पेड टू योर अकाउंट विथ इन 5 मिनट्स, यानी कि दोस्तों 5 मिनट पे आपका अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आएंगे और यहाँ कॉन्टेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ईमेल दिखाई दे रहा है और आपको फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है और व्हाट्सअप नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो तीनों चीज़ें काफ़ी बेहतरीन ये सुविधा दी है इन्होंने, यानी कि दोस्तों तीनों चीज़ों पर आप संपर्क कर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और कोई समस्या हो तो इन पर बता सकते हो। तो दोस्तों ये भी चीज़ अच्छी हुई। उसके बाद दोस्तों पीछे की ओर आएंगे, पीछे की ओर आने के बाद दोस्तों अपन जाएंगे रिव्यू पर, यानी कि दोस्तों ये एप्लीकेशन वाकई में लोन दे रहा है या नहीं, और लोन दे रहा है तो कैसा लोन दे रहा है और लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है कि वाकई में लोन एप्लीकेशन सही साबित हुई है या नहीं। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे और दोस्तों इस एप्लीकेशन का रिव्यू को करेंगे ओपन। तो दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सामने दिखाई दे रहा है वेरी गुड इजी अप्रोच। तो दोस्तों जो आल पॉजिटिव जो कमेंट रहती है, बहुत सारी कमेंट है कंपनी की ओर से भी रहती है। अपन जाएंगे दोस्तों क्रिटिकल कमेंट की ओर। क्रिटिकल कमेंट की ओर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ आपको दिखाई देगी फर्स्ट जो कमेंट है, इसने लिखा है फ्रेंड दिस ऐप इज चार्ज वेरी हाईली प्रोसेसिंग फीस एंड इंटरेस्ट रेट अप्रूवल लोन अमाउंट एंड दे गिव ओनली 7-day tenor फॉर एग्जाम्पल दे अप्रूवल 2000 लोन रेड्यूकेट 800 इन ऑफ वे प्रोसेसिंग ATC एंड डिस्प्रूवल 1200-700 टोकन टेक लोन फ्रॉम दिस ऐप। तो दोस्तों ये बता रहा है इसने 800 रुपये ब्याज लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्याज इस बंदे ने शिकायत करी है, कंप्लेन करी है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्याज लिया है इस एप्लीकेशन से, इन्होंने लोन लिया है। तो दोस्तों नीचे की ओर आएंगे तो इसी बंदे ने यही बताया है कि रिसीव्ड मैसेज अबाउट अप्रूवल नॉट डिस्बुरल, तो इनका 7 घंटे हो गए अभी तक नहीं मिला। तो दोस्तों इसी प्रकार बहुत सारे लोगों ने शिकायत करी है, लेकिन दोस्तों जो ज़्यादा जो शिकायत है दोस्तों इसमें बता रखा है इसने ऐप में 1200 रुपये बहुत ज़्यादा हाई चार्ज है, यानी कि दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करी है और काफ़ी सारे लोगों ने बताया है कि ये एप्लीकेशन जो है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्याज ले रही है और कम का लोन दे रही है। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने यही शिकायत ज़्यादा करी है कि एप्लीकेशन लोन तो दे रही है लेकिन ब्याज ज़्यादा ले रही है और कम समय दे रही है। तो दोस्तों रिव्यू के आधार पर अपन कह सकते हैं कि दोस्तों ये एप्लीकेशन है जो ब्याज ज़्यादा ले रही है और लोन कम दे रही है। तो दोस्तों अगर आपको लोन अर्जेंट लेना हो तो ये एप्लीकेशन आपको देख लेना पूर्ण तरीके से, अगर आपको उचित लगे तो लो लोन, नहीं लगे तो नहीं लेना। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं और भी एप्लीकेशंस के, आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने बहुत सारे लोगों को लोन लेने के लिए पता नहीं एप्लीकेशन है तो दोस्तों मिल जाएगी उनको। तो दोस्तों इसमें फास्ट अप्रूवल हो जाएगा और आपको लोन भी मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको कम ब्याज दर वाली लोन एप्लीकेशन चाहिए तो बहुत सारी लोन एप्लीकेशनों का मैंने वीडियो बना रखे हैं मेरे चैनल में, उस पर जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों और भी कोई समस्या दिक्कत आ रही हो दोस्तों मेरे को कमेंट में बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप और हम इसी प्रकार दोस्तों हमेशा मेरे चैनल में मिलते रहे। तो दोस्तों सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलूँगा एक अगले नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।